भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह पहुंचे सुशांत सिंह राजपूत से मिलने और उनका ढाढस बढ़ाने। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब उनके मौत के बाद कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो कि उस पर गौर करना लाजमी है। पहली बात तो बॉलीवुड में इस तरह की रणनीति क्यों चल रही है कि आउटसाइडर को भाई पूरी तरह से लेफ्ट ओवर कर दिया जाता है, और फिर उन कैंपों का क्या जो नए टैलेंट को बढ़ावा नहीं देते, जबकि भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। वैसे तो पूरी जांच बड़ी ही बारीकी से चल रही है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने 3 टीमें तैयार की हैं इस हाई प्रोफाइल केस के लिए। जी हाँ, सुशांत सिंह के मौत से जुड़े हर एक पल पल की जानकारी पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। इतने कम समय में और इतने सफल कैरियर के बावजूद कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है? सुशांत की आत्महत्या ने न जाने कितने सवाल खड़े कर दिए हैं बॉलीवुड पे। अब बॉलीवुड के उन प्रोडक्शन हाउस को इस जवाब को देना भारी पड़ रहा है। खेसारी लाल यादव ने क्या कहा, आप ये भी सुन लीजिए। खेसारी ने ये कहा, सुशांत जैसे एक टैलेंटेड एक्टर का इस तरह से दुनिया को छोड़ के चले जाना बड़ा ही दुखद है, स्पेशली बिहार का, जब नाम पूरी तरह से ऊंचा कर रहे थे और साथ ही यूपी बिहार के लोगों के साथ इस तरह की जो रणनीति होती है बॉलीवुड में, इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। खेसारी ने ये कहा कि सुशांत को न्याय दिलाने के लिए वो भी भरपूर मेहनत करेंगे, और तो और उन लोगों के सामने वो भी एक मिसाल बनकर ही खड़े होंगे जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को आज ये करने पर मजबूर कर दिया। अब अक्षरा सिंह गई तो जानिए अक्षरा सिंह ने किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के पिता का ढाढस बढ़ाया। अक्षरा सिंह ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, साथ ही साथ उन्हें ये कहा कि होने को कौन टाल सकता है। वैसे आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर लोगों का तांता लगा ही हुआ है। लोग एक एक कर उनके पिताजी से मिलने आ रहे हैं, क्योंकि सुशांत सभी के चहेते थे। साथ ही उनकी कॉलोनी में किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि सुशांत आज भी उनके बीच नहीं रहे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।